हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम अपने हेलो एलिगेंस एंड हेलो अरेंज चैप्टर को फर्दर आगे डिस्कशन में लाते हैं। लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एंड हमने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन पढ़ा था, जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग होती थी, उससे पहले कोई भी उसमें सब्स्टिट्यूटेड जो है वो नहीं होता था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो अगर पहले से ही बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब बेंजीन रिंग में पहले से ही क्या हो, कोई ना कोई एक मतलब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी शायद आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, बट इसमें फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है। हम इसकी रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कराते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कराते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 को बोला जाता है, और इन दिस केस ये नाइट्रेशन रिएक्शन में यूज होता है, आपको पता है। और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2+ होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बेंजीन रिंग जब तक था, सिर्फ हम इस इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी पोजिशन पे इधर इधर कहीं भी जहां अच्छा लग रहा था वहां पर हम ले जाके ऐड कर दे रहे थे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे हाइड्रोजन को। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब ये जो है पहले से ही जो सब्स्टिट्यूएंट है यहां पर, ये डिसाइड करेगा कि ये जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर जाएगा। इसके लिए हम इनको दो कैटेगरी में जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स कैटेगरी में बांटते हैं, एक होती है एक्टिवेटिंग एंड एक होती है डीएक्टिवेटिंग। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं। तो ये OH जो होता है, OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH जो है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग है। मतलब ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो ये इलेक्ट्रोफाइल अब जाके जो ऐड होगा, इसको अब ये OH डिसाइड करेगा कि ये कहाँ जाके लगेगा। ये OH जो है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा नहीं होगा, ऑर्थो पैरा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो OH के ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा, प्लस पैरा भी है तो OH के पैरा पोजीशन पर लगेगा। ये होगा हमारा प्रोडक्ट। इसीलिए जब आप पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर क्लोरीन भी है तो क्लोरीन भी एक ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इसके प्रेजेंस में भी अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर का रिएक्शन कराएं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो बनेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जिसमें कि NO2 ग्रुप जो है Cl के ऑर्थो पोजीशन पर लग जाए, या सेकेंड सीएल के पैरा पोजीशन पर लग जाए। इसको हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं इसको एक्स। बेंजीन रिंग पे कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट है एक्स, ये इसकी डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होगी, ये खुद डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को
कि वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड हो, ऑर्थो पैरा पर ऐड हो या मेटा पोजिशन पर ऐड हो। ये थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर्स नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें भी यूज होगा, जब मैं आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग, सॉरी अगेन ऑर्थोमेटा आ गया, एक होता है हमारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग। अब इसके लिए मैं कुछ ग्रुप्स आपको लिखूंगा इसमें, जो आप लोग को ध्यान में देना होगा, रखना होगा, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर ऐड होगा। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, इन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, इन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, वेयर एज जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम इनके एक्टिवेटिंग बोलते हैं और इनको हम डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के हैं उसमें आपके आ जाएंगे OCH3, OH, O- OCOCH3, NH2, CH3 एटसेट्रा। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में अगर देखें तो मोस्ट ऑफ देम जो है वो जो अटैच्ड है स्पीसी उसके पास लोन पेयर है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो डायरेक्ट एटम अटैच होगा बेंजीन रिंग से, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको वो डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा कि वो ऑर्थो उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर जाके लगे। वेयर एज COH एल्डिहाइड, NO2, CN, COR कीटोन, CF3, NR3+, NF3+, एटसेट्रा, ऑल आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इस साइड के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब वो जो अगर ये एक्स इन किन्हीं में से कोई एक होगा तो वो जो होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग होगा इलेक्ट्रोफाइल उसको मेटा पोजिशन पर जाने के लिए ऑर्डर देगा। वेयर एज अगर इन किन्हीं में से कोई एक होगा तो ये उसे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर जाने के लिए डायरेक्ट करेंगे। ये होती है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग में जो पहले से ही एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करेगा कि कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कब वो मेटा पोजिशन पर जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड कब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर जाएगा। आइए इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस मैं करता हूं आपसे। ये हमारी बेंजीन रिंग और अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमने ऐड कर दिया, मान लीजिए हमने ऐड किया COCl, ठीक,
अब इसकी रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको पता है कि सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, लास्ट लेक्चर मैंने इन रिएक्शंस को डिस्कशन किया था। सल्फोनेशन होगा और जो ऐड होगा वो SO3H ऐड होगा। ऑल्दो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो SO3 होता है, बट फाइनली मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था कि ये हाइड्रोजन कहां से आता है लास्ट लेक्चर में, मैं यहां पर वो डिस्कस नहीं करने वाला। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये वाली जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा कि ये SO3H जो है कहां जाके ऐड होगा। अब आप मुझे बताएं क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है, लोन पेयर नहीं है, और इससे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, मतलब ऐड है। इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो नहीं हो सकता। ऑर्थो पैरा नहीं होगा मतलब क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसका मतलब ये क्या है? ये COCl ग्रुप जो है ये एक मेटा डायरेक्टिंग है, और जो SO3H होगा इसके मेटा पोजीशन पर आकर लग जाएगा। ये COCl और इसका ये ऑर्थो और ये इसका मेटा, तो मेटा पर इसका SO3H आके लग जाएगा। ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसके बेसिस पर हमें ये पता चला कि SO3H आखिर जाके लगेगा कहां, क्योंकि पोजीशंस बेंजीन में तो बहुत सारी हैं। अच्छा आप एक और बात जान ले, आप ये स्ट्रक्चर बनाए या ये स्ट्रक्चर बनाए, इससे कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही होते हैं। आप इस वाले मेटा पोजीशन पर ऐड करें या इस वाले मेटा पोजीशन पर ऐड करें, ये दोनों एक ही हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर राइट पसंद है तो राइट करिए, लेफ्ट पसंद है तो लेफ्ट करिए, क्योंकि दो पोजीशन है मेटा के, आप दोनों में किसी पर भी कर सकते हैं, बट करेंगे एक ही पर। ये नहीं कि आप दोनों पर ऐड कर दें, नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक पर होगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। ये हमारी बेंजीन रिंग है और यहां पर OCH3 है। OCH3 मतलब O के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर हमें दिखा फर्स्ट एटम पर ही, हम जान गए कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अब हम इसकी रिएक्शन मान लीजिए कराते हैं CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लास्ट वीडियोज में जो इतने भी रिएक्शंस मैंने आपको 6-7 रिएक्शन पढ़ाए हैं, और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में मैंने आपको रीअरेंजमेंट भी बताया था, आप उन चीजों को जरूर देखें, क्योंकि बिना उन चीजों का आप यहां पर समझ नहीं पाएंगे। और अगर आता है तो फिर भी आप रिवाइज करके आए, क्योंकि रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है हमें पता चल गया, ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो होगा CH3CH2+। अब इसकी तो रीअरेंजमेंट हो नहीं सकती, रीअरेंजमेंट नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल हमारा यही होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पर आके लग जाएगा। ये हमारा OCH3 है, ऑर्थो पोजीशन हम यहां पर लगा लें या यहां पर लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं, CH2CH3 आके लग गया। प्लस इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें OCH3 के पैरा पोजीशन पर CH2CH3 लगेगा। ये होगी हमारी रिएक्शन। अब जो है NCERT में रिएक्शंस गिवन है, अब वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे कि वो एक्चुअली हो कैसे रहा। अगर आप पिछले लेक्चर तक आप ये सोच रहे होंगे कि
एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को मैं नहीं पढ़ाया था अभी। आइए अभी दो तीन और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैंने लगा दिया सी एन, इस बार मैंने रिएक्शन कराया एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल से। अब आप बताएं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने यह भी डिस्कस किया था इस रिएक्शन को भी। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो हमारा नाइट्रोसोनियम आयन एनओ प्लस बनता है, और यही एनओ प्लस इस बेंजीन में जाके ऐड होगा। अब बात आती है कि ये कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो पैरा पर या मेटा पर। सी एन जो है, आप अगर पिछला टेबल देखें तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, ये एकदम मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग है। अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो जो नाइट्रोसोनियम आयन है एनओ प्लस वो मेटा पोजिशन पर जाकर एड हो जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए हम यहां पर NH2 ले लेते हैं। NH2 हम इसको एनिलीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम लेट से CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 करा रहे हैं। मैंने ये पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें अगर ये सब्स्टिट्यूएंट ना प्रेजेंट होता तो क्या बनता, क्यूमीन बनता बाई रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। मैंने रीअरेंजमेंट करके बताया था आपको कि CH3 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये डिसाइड करेगा सब्स्टिट्यूएंट कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके ऐड होगा। सिंस इसके पास लोन पेयर है मतलब ये क्लियर होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, एंड ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर जाके वो ऐड होगा। ये NH2 इसके मैंने ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया प्लस ये NH2 और इसके मैंने पैरा पोजीशन पर लगा दिया, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट एटम जो बेंजीन से कनेक्टेड है उसके पास अगर लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अदरवाइज अगर वो कोई हाइड्रोकार्बन है CH2CH3 या सिर्फ CH3 या कोई और हाइड्रोकार्बन तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अदरवाइज और कोई भी होंगे सब्स्टिट्यूएंट उसमें अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वो सभी मेटा डायरेक्टिंग होंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये रिएक्शन हमें गिवेन है, हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है। मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट कनेक्टेड एटम बेंजीन से जो है अगर लोन पेयर है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और दूसरा जो ऑप्शन है अगर वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन की अगर कोई कंपाउंड है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब इसमें जो है कार्बन तो है
बट हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसको हाइड्रोकार्बन हम नहीं बोलेंगे, ये क्या है सी एफ थ्री है, मतलब सी एफ थ्री है और इसके पास लोन पेयर भी नहीं है, मतलब क्या होगा मेटा डायरेक्टिंग होगा। और इसके रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन होगा वहीं पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर लगेगा, ये सी एफ थ्री इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होगा सी एच थ्री सी ओ प्लस, मेटा पोजीशन ये है तो सी ओ सी एच थ्री, ये होगा हमारा आंसर। अब मैं एक कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेंजीन रिंग लिया, इसकी मैं रिएक्शन कराता हूं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, ये एक ए बनाएगा। इस ए की रिएक्शन में फर्दर सी एच थ्री सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री में कराता हूं, कंपाउंड बी बनता है। ठीक, अब आपको बताना है कि ए और बी क्या होंगे, ये आपके बोर्ड लेवल में जो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उस तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें जो है ए और बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब पॉज करके बनाएं, मैं अपना स्टार्ट करता हूं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन, नाइट्रेशन है मतलब NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्लस NO2 प्लस जब हम कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल से तो जो हमारा बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन होगा NO2, ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन और ये होगा हमारा A। अब फर्दर हमें इसका रिएक्शन कराना है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड, लुईस एसिड के प्रेजेंस में ये CH3 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब अगेन अब यहां पर आपको यूज करना होगा किसका, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का, ये NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है मतलब ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा डायरेक्शन मेटा पोजीशन पर जाने के लिए डायरेक्ट करेगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन होगी वहां पर जाके CH3 लग जाएगा, ये होगी हमारी ए एंड बी, ये होगा हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। समझ में आया, अगर आया तो और एग्जांपल कराता हूं मैं। ये हमारा हो गया बेंजीन प्लस, अब मैं मान लीजिए कि इसका क्लोरीनेशन कराता हूं, क्लोरीनेशन का मतलब क्या है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3 आप ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, लुईस एसिड, बस जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Cl प्लस होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड होगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। अब फर्दर हम इसका रिएक्शन करा सकते हैं, फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा लीजिए या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 से करा, सॉरी कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा लीजिए, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन कराएंगे तो एडिशन किसका होगा SO3H का होगा। अब क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, मतलब ये क्या होगा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, एंड अगर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा तो दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा, Cl के रिस्पेक्ट में एक ये ऑर्थो पोजीशन है, एक ये, मान लीजिए मैं इस बार इस पे लगा देता हूं, ये इस बार SO3H इस पर आके लग गया। सेकेंड कौन सा बनेगा, सेकेंड इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लगेगा SO3H, ये हो गया Cl, इसके पैरा पोजीशन कौन सा होगा ये होगा, तो ये हो गया हमारा SO3H, ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। हमने इनिशियली क्या किया,
इनिशियली हमने सिर्फ बेंजीन और उसको क्लोरीनेशन कराया, बाई क्लोरीनेशन वी गेट क्लोरोबेंजीन। आफ्टर वी गेटिंग क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 वी गेट वॉट टू प्रोडक्ट्स, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड क्लोरोबेंजीन। एक में ऑर्थो पर SO3H एड हो गया, मतलब सब्सटीट्यूट हुआ, और दूसरा जो प्रोडक्ट हमें मिला उस पर पैरा पोजिशन पर हमें प्रोडक्ट मिला। ये होती है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसके बेसिस पे आई थिंक मैं 8-10 एग्जांपल करा चुका मैं आपको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक दो एग्जांपल करा देता हूं मैं। इस बार मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल आपका पहले से सब्स्टिट्यूटेड है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नहीं, हाइड्रोकार्बन CH3, इसको हम कॉमन नेम इसका क्या है, टोल्यूइन। इसकी रिएक्शन हम मान लीजिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा देते हैं, या फिर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आप करा लें, कुछ भी करा लें, CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन होगी, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, CH3CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ऑल्दो उनके पास लोन पेयर नहीं है, बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो हम ऑर्थो पर पोजीशन पर लगा दें, प्लस सेकेंड हम कहाँ लगा दें, पैरा पोजीशन पर लगा दें CH3 के। समझ में आया क्या? ये तो हुई तब की कंडीशन जब सिर्फ एक सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग में। जी हाँ, अभी तक मैंने फर्स्ट में जो कराया था रिएक्शंस उसमें कोई भी सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट नहीं था। जो पिछले लेक्चर्स मैंने कराया था उसमें सिर्फ बेंजीन थी और उसमें इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा के हम प्रोडक्ट बना रहे थे। अभी जो मैंने डिस्कशन किया उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल सॉरी एक सब्सटीट्यूएंट पहले से प्रेजेंट है और उसके बेसिस पे, उसके डायरेक्शन के बेसिस पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा। जो दूसरा कंडीशन बनेगा, ऑल्दो ये थोड़ा बोर्ड लेवल के थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी हार्ड, आप इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन यह होती है कि जो हम एक सब्सिट्यूएंट ले रहे थे, हो सकता है कि यहां पर दो सब्सिट्यूएंट हो, एक OH हो और एक CN हो, यह भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इसकी रिएक्शन हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा दें। अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होना है, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेटिंग मिक्सचर का कितना हो, कौन होता है, NO2 प्लस होता है। अभी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आना है, अब इलेक्ट्रोफाइल कंफ्यूज कि मैं किसकी सुनूं, एक OH भी है और CN भी है, अभी तक तो सिर्फ एक था तो उनको उसको पता था कि इसकी बात सुननी है, जहां बताएगा वहीं पर जाना है, अगर मेटा डायरेक्टिंग होता तो मेटा पर जाना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पर जाना है, बट इसमें तो धर्म संकट आ गया कि अब किसके रिस्पेक्ट में जाए, OH के रिस्पेक्ट में जाए या CN के। तो आपको पता है ये OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इसी को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। एक्टिवेटिंग मतलब एंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, मतलब जो इसको स्टेबल करते हैं, और एक ये है जो डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। अब आप मुझे बताएं इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रहना पड़े पसंद करेगा, एक्टिवेटिंग जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है किसी को स्टेबल करता है, या डीएक्टिवेटिंग जो हमेशा नेगेटिव सोचता है
और बेंजीन को जिससे वो अटैच्ड है उसी को अनस्टेबल करता है। बिल्कुल एक्टिवेटिंग ग्रुप से ही वो अटैच होगा, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग ही सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब हम इस सीएन को फॉरगेट कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट है भी कि नहीं है, हम इसे कोई मतलब नहीं होगा, हमें फिर OH से मतलब होगा क्योंकि हमें पता चल गया कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो सीएन को मैंने ऐसे ही रहने दिया, OH को भी रहने दिया। अब OH के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है। अब सवाल ये आता है कि ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी है, और पैरा तो एक ही है, तो पैरा पर तो हम इसके पर लगा दें। तो पैरा तो जो है सो है OH CN, इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन कराने पर NO2 लग गया। अब इसमें समस्या ये आती है कि यहां पर ऑर्थो पर लगाएं या इस ऑर्थो पर लगाएं, क्योंकि ऑर्थो के दो पोजीशन है, दोनों डिफरेंट है इस कंडीशन में। क्योंकि यहां पर लगाएंगे तो 1 2 3 तीनों एक लाइन में आएंगे, और अगर यहां पर लगाएंगे तो 1 2 3 ये दोनों गैप आएगा, फिर यहां पर आएगा। तो अगर आप यहां पर NO2 लगाते हैं, अगर आप मान लीजिए, मैं इधर कहीं बताता हूं कि यहां पर OH है, यहां पर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया और यहां पर CN है, तो इन तीनों के बीच में रिपल्सन होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई, ज्यादा भीड़ हो गया तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के वजह से मॉलिक्यूल क्या अनस्टेबल होगा। हेंस तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो ये नहीं बनेगा, वो ये बनेगा। ऑल्दो इसमें भी है रिपल्सन, बट इसके कंपैरेटिवली तो कम है ना, काफी कम है। इसमें तीनों रिपल्सन कर रहे थे, फील कर रहे थे, और यहां पर सिर्फ इन दोनों के बीच में है, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल कराता हूं आपको मैं। मान लीजिए यहां पर OCH3 है और इसके ठीक पैरा पोजीशन पर ही NO2 ग्रुप है। अगेन हम मान लीजिए इस बार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन हम कराना चाहते हैं। अब हमें यह भी पता चल गया कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, ये थर्ड क्लास का इंसान है NO2, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये हमेशा इसकी स्टेबिलिटी घटाएगा, मतलब हमें OCH3 के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन ये NO2 जो है ये इसके पैरा पोजीशन को पहले से ही ब्लॉक करके रखा है, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन पैरा पोजीशन पहले से ही ब्लॉक्ड है, उस पर पहले से ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब इस केस में पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो खाली ही नहीं है। जब तक सीट खाली नहीं होगी कोई वहां पर जाकर बैठ कैसे सकता है, नहीं बैठ सकता ना। इसीलिए इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट विल बी दिस OCH3SO3H एंड NO2, ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। अब जब मैंने आपको सल्फोनेशन सिखाया था उसी टाइम मैंने आपको डीसल्फोनेशन रिएक्शन भी बताया था। डीसल्फोनेशन में हम क्या कराते थे, बॉइलिंग विथ H2O, बॉइलिंग विथ H2O कराने पर क्या होता था, SO3H जो होता है वो H में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगेन हमें OCH3 एंड NO2 मिल जाएगा। यहां पर जहां SO3H था वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई है?
हुई है तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी रिएक्शन अगर हम CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl से अगर हम कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट आप सोच समझ के अपने से बनाएं। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि पहले से ये सब्स्टिट्यूटेड है और फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन होने तक फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब बनाएंगे तो ये क्या है, लुईस एसिड है, सीएल को निकाल लेगा। तो जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग करें हम तो वन आएगा। क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? आइए देखते हैं। ये हो गया वन, ये हो गया टू, 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, हाइड्राइड शिफ्ट होने के लिए सेकेंड पर हाइड्रोजन होना जरूरी है? ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन है नहीं फिर भी हम लिख दिए हाइड्राइड शिफ्ट। तो इतना याद होना चाहिए आपको, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट तब कराएंगे ना जब हाइड्रोजन होगा। इन दिस केस है, प्रेजेंट है, बिल्कुल है। 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे हम, तो इसका मैं यहां पर लिख देता हूं क्या जो बनेगा वो होगा CH3 CH2 C। सेकेंड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वन पर चला जाएगा ये टू का हाइड्रोजन CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। अब आप अल्फा हाइड्रोजन गिने। इन दिस केस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 2 8। मतलब स्टेबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। और स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई मतलब रीअरेंजमेंट क्या होगा? पॉसिबल होगा। मतलब ये रीअरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो? अब इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो ये है और हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं यहां बना देता हूं। इसके पास SH है, एस सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, इसके पास भी लोन पेयर होगा। और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ये क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये क्या है, एक्टिवेटिंग है। हम किसकी सुनेंगे? या फिर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा किसकी मानेगा, एक्टिवेटिंग का मानेगा। एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इसकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। तो जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे वो होंगे कि SH, यहाँ पर CHO है, एक तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पर ये वाली बल्कि ग्रुप लग जाए, ये कि ये हो गया हमारा ये वाला C, इससे दो CH3 अटैच्ड है तो ये दोनों CH3 हो गए, और एक इथाइल ग्रुप है CH2 एंड CH3। प्लस ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हुआ, ऑर्थो वाला हुआ। अभी तो हमें एक और पैरा वाला भी बनाना होगा। तो ये CHO हमारा एज इट इज रहा, ये SH भी एज इट इज रहा, और इसके पैरा पोजीशन पर हम दो CH3 लग गए और एक इथाइल लग गया। ये हुई हमारी रिएक्शन। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक जिसमें सिर्फ बेंजीन हो, आपको नाइट्रेशन करा दिया जाए, नाइट्रोसोएशन करा दिया जाए, सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन, या फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट असाइलेशन, इनमें से कोई भी रिएक्शन हेलोजिनेशन कराया जाए।
तो आप करा सकते हैं। सेकेंड बनता है एक सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट हो पहले से ही और वो डायरेक्ट करे कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ ऐड होगा। उसमें मैंने दो आपको बताया कैटेगरी, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं एंड एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाएगा। अगर वही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है लाइक एनओ टू, सी एन, सी एच ओ या फिर कोई कीटोन हो सकता है, एन आर थ्री प्लस हो सकता है, सी एफ थ्री हो सकता है, बहुत सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, मेटा डायरेक्टिंग है, उन मेटा डायरेक्टिंग के जो है रिस्पेक्ट में वो मेटा पोजिशन पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाए। जो थर्ड मैं बताया जो रेयर केसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि बेंजीन रिंग में एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। अब एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जाके सब्स्टिट्यूट होगा। अब इन दिस केस मैंने आपको बताया कि जो पैरा पोजिशन पहले से ब्लॉक्ड है, अगर ब्लॉक्ड है तो हमें सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना होगा और अगर ब्लॉक्ड नहीं है तो हम ऑर्थो एंड पैरा दोनों ही बनाएंगे। ठीक। और लास्ट में मैंने एक एग्जांपल बताया जिसमें आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला एंड ये रीअरेंजमेंट का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर डायरेक्टिन इन्फ्लुएंस का या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रिएक्शन है वो खत्म होता है। बट आइए आगे देखते हैं कि क्या है। इसके बाद जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमें दो नेम रिएक्शन मिलेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स टॉपिक में, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, आई एम सॉरी, वुड्स रिएक्शन तो आपको हेलो एलगेंस में ही आपको पढ़ाया था मैं, यहां पर हेलो एलगेंस का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है एंड एक फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ने से पहले क्यों ना हम फिटिंग रिएक्शन पढ़ लें। वुड्स रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या बताया था, आर एक्स हो कोई भी दो मोल प्लस दो मोल एन ए हो तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो आर आर बनता है प्लस दो मोल ऑफ एन ए एक्स हमें मिलता है। मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल अल्किन हमें मिलता है। मतलब अगर हमारा यहाँ पर R CH3CH2X होता और अगर हम इसकी दो मोल का रिएक्शन इसके दो मोल सोडियम से कराते हैं, सोडियम मेटल से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता वो CH3CH2 और फिर इसी से CH2CH3 ऐड हो जाता प्लस टू मोल ऑफ NaX हमें मिलता। ये हमारी थी वुड्स रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है, फिटिंग रिएक्शन भी एज इट इज सेम है वुड्स रिएक्शन के, बट फर्क बस इतना है कि जो ये अल्काइल ग्रुप होता था हेलो एल्केन्स होते थे, इन दिस केस हेलो एरिन्स होंगे। मतलब ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन ग्रुप से ये हेलो एरिन है, इसकी रिएक्शन अगेन हम टू मोल्स ऑफ सोडियम से अगर हम करा दें तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों का डाइमर फॉर्म हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे कनेक्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, प्लस टू मोल ऑफ सोडियम हैलाइड हमें मिलेगा। ये एज इट इज सेम है किसके, वुड्स रिएक्शन के, बशर्ते ये जो हेलो एल्केन्स के लिए था तो ये वुड्स रिएक्शन था और ये हेलो एरिन्स के लिए है तो ये फिटिंग रिएक्शन इसका नाम दिया गया है। दोनों ही मेटल रिएक्शंस हैं।
अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, तो हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन फॉर्म होता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन हमें मिलेगा। अब इसमें क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, आपको वुड्स भी लेना है मतलब हेलो एल्केन भी लेना है, और फिटिक भी है मतलब हेलो एरिन भी लेना है। मतलब ये हुआ कि एक आपको हेलो एरिन लेना है, एक आपको हेलो एल्केन लेना है, और बाकी आपको सोडियम मेटल लेना ही लेना है, और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो इन दोनों का मिक्सचर होगा। अब ये एक्स यहां से निकल जाएगा, ये एक्स निकल जाएगा और आर लग जाएगा यहां पर, और 2 मोल ऑफ सोडियम हेलाइड निकल जाएगा। बस मानना ये है, ऑल्दो एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो सिर्फ यही एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, बट मैं आपको बता दूं कि एक मेजर प्रोडक्ट होता है, 2 प्रोडक्ट और बनते हैं। आप जब भी एक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन उनके हिसाब से होना है ना, ये मेजर प्रोडक्ट होगा मतलब जो मेजॉरिटी होगी वो इसकी होगी, बट 2 माइनर प्रोडक्ट भी बनेंगे। वो क्या होंगे कि एक वुड्स रिएक्शन हो जाए, एक फिटिक रिएक्शन हो जाए। वुड्स रिएक्शन होगा, इसके साथ साथ आर आर भी बनेंगे, प्लस फिटिक रिएक्शन होगा और इसके साथ साथ दोनों बेंजीन रिंग भी कनेक्टेड होंगे। ऑल दो बोथ दीज आर माइनर कंपाउंड्स, इसीलिए यहां पर जनरली डिस्कस नहीं किया जाता, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये CH3 CH2 Cl है, प्लस हमने क्लोरोबेंजीन लिया ठीक, और इसकी रिएक्शन हमने 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल से कराया। जो प्रोडक्ट हमें मेजर मिलेगा वो ये होगा कि इस बेंजीन रिंग से ये CH2 CH3 ऐड हो जाए, ये होगा हमारी मेजर प्रोडक्ट, प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम हैलाइड मिलेगा हमें, दैट इज सोडियम क्लोराइड। बट 2 प्रोडक्ट हमें और मिलेंगे कि ये दोनों कनेक्टेड हो जाएं बाई यूजिंग वुड्स रिएक्शन, CH2 फिर ये CH2 CH3 हो जाए, प्लस ये दोनों कनेक्टेड हो जाए फिनाइल ग्रुप्स लाइक दिस। ये हमारी वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, ये फिटिक रिएक्शन होगा, और ये होगी हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये मेजर होगा, सबसे ज्यादा बनेगा वुड्स फिटिक का प्रोडक्ट, और ये माइनर होंगे बट ये प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपको मान लीजिए कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, ऑप्शन 4 दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो आप तीनों को टिक करना होगा अगर तीनों ऑप्शन में हो तो। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? तो ये होता है हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन, बेसिकली वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है ये। फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा जिन्हें हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम हर एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसको भी क्यों ना किया जाए। तो आइए डिस्कशन करते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं हम इनटेक्स्ट क्वेश्चन 10.7 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10.7 क्या है? 10.7 से दैट विच अल्काइल हेलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, ये दोनों पेयर्स जो गिवेन है हर एक के तीनों के, वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रेडली, मतलब कौन से बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे, बेसिकली रेट है, बाय एन SN2 मैकेनिज्म। मतलब बेसिकली हमें रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इन तीनों में कंपेयर करना है कि ये जो पेयर गिवेन है इन दोनों पेयर्स में किस किस का SN2 रिएक्शन के टुवर्ड्स रेट ज्यादा होगा। तो बड़े ही आसान से टॉपिक है, मैंने आपको तो इसको ग्राफ पे भी आपको प्लॉट करके बताया था कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है। ये क्या है? ये 1 डिग्री हैलाइड है,
और ये कौन सा है, ये 2 डिग्री है। आपको ग्राफ में ही बताया था मैं कि SN1 के केस में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, बट SN2 के केस में हम स्टेरिक हेंड्रेंस देखते हैं। जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा पास में लिविंग ग्रुप के, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। अब आप देखें इसके पास ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बल्की कौन सा, ये 2 डिग्री वाला, तो रेट किसका ज़्यादा होगा, इसका। समझ में आया। सिमिलरली ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, मोस्ट बल्की कौन सा है, 3 डिग्री, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरे पड़े हैं और ये तो फिर भी एक साइड का तो ओपन है, मतलब एक छोटा एटम है हाइड्रोजन, मतलब रेट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। हाँ, अगर SN1 का केस होता है तो ये 3 डिग्री ज़्यादा होता, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, और इस केस में भी 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, इसलिए इन दोनों का रेट जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। बट हम चूंकि SN2 का कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। अगर हम इसकी बात करें तो जन ये भी अब देखिए 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसके बाद जो अगला है ये CH2 है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो CHCH3 है, मतलब बल्किनेस CH3 की यहाँ पर दूर थी, ये जो CH3 बल्कि ग्रुप था वो दूर था, मतलब भीड़ दूर थी, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे भीड़ इसके पास आता गया इसको इफेक्ट हुआ, एंड सिंस इसकी बल्किनेस जो है इसके पास में है इन दिस केस, एंड इन दिस केस थोड़ा दूर है, इसमें भी है बट थोड़ा दूर है, एंड दूर है तो इसमें बल्किनेस कम है, और कम है तो इसी का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेरिक हेंड्रेंस। जिसे हम बल्किनेस बोलते हैं। समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। एग्जैक्टली सेम, इन दिस केस हम SN2 कंपेयर कर रहे थे, और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें SN1 का रेट कंपेयर करना है। पेयर क्या है, फर्स्ट पेयर जो है वो एक 3 डिग्री है हैलाइड, यहाँ पे Cl है, और जो नेक्स्ट है वो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, रेड यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 9, ये CH2 है, ये भी CH2 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4, अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है, इसका रेट किसका ज़्यादा होगा, इसका, क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनाएगा ना, जब ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो इंटरमीडिएट क्या बनाते हैं SN1 में, कार्बोकैटायन, तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर ही डिस्कस करेंगे कि किसका रेट ज़्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा होगा उसकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। सिमिलरली जो सेकेंड पेयर है वो भी बड़ा आसान सा है, सेकेंड पेयर में क्या है, एक मिनट रुक जाइए, सेकेंड पेयर है हमारा ये कि इसे एक Cl अटैच है, एड है, और एक यहाँ पर Cl है, मतलब ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये CH3 है, ये CH2 है, मतलब 3 और 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 5, और यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और एक ही अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन एक ही है, तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ इसके अकॉर्डिंग 2 है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो किसकी रेट ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसके बाद हमें
दो तीन रिएक्शंस गिवेन है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। जो रिएक्शन है कुछ इस तरह का है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेसिस का, कि यहाँ पर ब्रोमीन प्लस एमजी है मैग्नीशियम मेटल, और ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एक कंपाउंड बनता है, और इस फर्दर ए का रिएक्शन हम जब H2O से कराते हैं तो बी बनता है, हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे MgBr। इसको हम फर्दर हम आयनिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, आयनिक के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये माइनस होगा और ये MgBr प्लस होगा, मतलब ये हमारा क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ये वाली ग्रुप। प्लस हमें किससे रिएक्शन कराना है, H2O से, ये हमारा कौन सा है, ए है, ये बेसिकली ए है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस OH पर अटैक करेगा, या फिर आप इस तरह से देख ले H प्लस OH माइनस में एग्जिस्ट करेगा H2O, ये H प्लस और ये माइनस दोनों अट्रैक्ट करके एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, ये H प्लस और ये माइनस दोनों ऐड होके न्यूट्रल भी हो गए और एक बॉन्ड भी बन गया, ये प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा B। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, RBr प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एग्जैक्टली सेम R माइनस MgBr प्लस फॉर्म होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, प्लस D2O से रिएक्शन हम करा रहे हैं सॉलिड वाटर, D2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये भी H2O की तरह ही होता है D प्लस OD माइनस, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा था मतलब, और इन दिस केस ड्यूटेरियम होगा, बस यही फर्क होगा, देयर इज नो डिफरेंस। ये हो गया हमारा कौन सा प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, ये मैं ले लिया था ना, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था R माइनस माइनस MgBr प्लस, और इसकी रिएक्शन हम जब D2O से कराते हैं अगर हम इसकी रिएक्शन D2O से कराते हैं तो हमें CH3 CH D और CH3 मिलता है, हमें R फाइंड आउट करना है। अब मुझे एक बात बताएं, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और एक D2O है, जहां ये माइनस होगा वहीं से D2 जाके ऐड होगा D, मतलब ये क्या हो सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो CH3 CH CH3 माइनस MgBr प्लस, अगर हम इसकी रिएक्शन D2O से कराएं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, H माइनस है और यहाँ से D प्लस जो है निकलेगा और D प्लस इसे जाके ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH CH3 और ड्यूटेरियम, तो यही तो गिवन है, मतलब हमारा जो है R कौन सा है, ये होगा CH3 CH और इससे जो है BR गिवन है तो BR हम लगा देंगे और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा हमारा R, हमें यही फाइंड आउट करना था। इसमें फर्दर आइए देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि ये R-X है, इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो D मिलता है प्रोडक्ट, और फर्दर इसकी हम रिएक्शन जब H2O से कराते हैं तो E मिलता है, और इसी R-X का रिएक्शन अगर हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर कराएं, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, अगर आपको नाम याद हो तो, अभी अभी डिस्कस किए भी हैं,
तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3 एंड CH3। एक सिमेट्रिकल क्या मिला है, हाइड्रोकार्बन। मतलब हमें पता है कि हम अगर आर एक्स का रिएक्शन कराते हैं आर डैश एक्स का, 2 मोल्स प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें आर डैश मिलता है। अगर हमें आर डैश से आर डैश को निकालना है तो क्यों ना हम इसी बॉन्ड को तोड़ दें। इसी बॉन्ड को अगर हम तोड़ देंगे तो आर डैश और आर डैश अलग अलग हो जाएंगे, हमें आर डैश मिल जाएगा। हमें ये क्या है, ये भी आर डैश है और ये भी आर डैश है, और ये बॉन्ड हमें तोड़ना है। इस बॉन्ड को हम तोड़ के एक्स इसमें भी दे दें और एक्स इसमें भी दे दें, उस हिसाब से जो हमारा आर डैश क्या होगा, आर डैश होगा CH3 एंड एक्स। आप रिएक्शन करा के देख लीजिएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए जब भी आपको अगर आर डैश दिया हो सिमेट्रिकल अल्केन, और आपसे अगर फर्दर आर डैश अगर निकालना हो बैकवर्ड जाके, तो उन दोनों के बॉन्ड को तोड़ दीजिए। वो अगर वुड्स से वुड्स रिएक्शन से अगर हुए होंगे तो वो एग्जैक्टली आपको सेम मिल जाएंगे। तो आर डैश तो हमें मिल गया। अब आर डैश एक्स का रिएक्शन हम जब एम जी से कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट डी मिलता है। डी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा एम जी एक्स। अगर हम आयनिक के फॉर्म लिखना चाहें तो ये माइनस और ये प्लस। इसकी फर्दर अगर हम रिएक्शन H2O से हम करा रहे हैं, H2O से करा रहे हैं मतलब H प्लस एंड OH माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 और इसे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो यहां पर हमारा खत्म होता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी, इंटेक्स्ट 10.7, 10.8, 10.9। इसमें हमने ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश जो भी अननोन थे सबको हमने फाइंड आउट किया, सबका एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। तो आप अपने नोट्स बनाए, फर्दर अब थ्योरेटिकल टॉपिक्स ही बचे हैं, एक लेक्चर ही लगेगा मुझे, अगले एक लेक्चर में ये खत्म हो जाएंगे चैप्टर। एंड आफ्टर दैट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो टिल दैट थैंक यू सो मच, मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक, बाय बाय।